हाय गाइस, वेलकम बैक स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से अनदर तड़कती भड़कती वीडियो। यस, थाला फॉर अ रीजन, सम्राट की पाठशाला। सो माही भाई के बारे में ये वीडियो होने वाली है। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारे इस तड़कती भड़कती जंगली जवानी टाइप की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे थाला की। आखिर क्यों हर चीज थाला फॉर अ रीजन हो रही है आजकल? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। आइए देखते हैं। तो आखिरकार थाला फॉर अ रीजन है क्या? तो जहाँ तक मेरी समझ है ना, थाला का मतलब होता है लीडर, जो पहले रजनीकांत सर के लिए प्रयोग किया जाता था। थलाइवा नाम सुना होगा आपने। पिछले कुछ सालों से धोनी सर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अभी थाला फॉर अ रीजन शुरू हुआ कैसे? तो इसमें पूरा पूरा क्रेडिट जाता है MS धोनी के जबरा फैंस का। मतलब वो फैंस जिन्होंने MS धोनी का नाम अपने अंडरकोट पे गुदवा रखा है। अभी वो पूरे इंटरनेट पर थाला फॉर अ रीजन का हल्ला मचाए हुए हैं यार। अब पूरी चीज थाला फॉर अ रीजन बनती कैसी है? देखो, MS धोनी के जो टी शर्ट पर नंबर लिखा होता है वो है 7। तो इनके फैंसों का करना क्या है? हर चीज को उस 7 नंबर से रिलेट कर देना है। अगर उनका समीकरण सटीक बैठ जाता है तो वो चीज वाह इज्जत थाला फॉर अ रीजन कहलाती है। जैसे इंद्रधनुष में रंग 7, थाला फॉर अ रीजन। हफ्ते में दिन 7, थाला फॉर अ रीजन। दुनिया में अजूबे भी 7, थाला फॉर अ रीजन। शादियों में फेरे 7, अब थाला फॉर अ रीजन। और वही शादी 7 जन्मों के लिए मानी जाती है, इसी वजह से थाला फॉर अ रीजन कंफर्म। और भैया, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है ना, तो आप भी थाला फॉर अ रीजन कहलाओगे। हमारे थाला सर को भी नहीं पता कि वो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आओ आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। पहला मीम लगाओ बे। मुझे माही को पैदा करने के लिए माही ने ही बोला था, माही के पिता। देख रहे हो माही भाई की पहुंच? देख रहे हो तुम? अब पैदा पहले से ही बात। कम से कम उनके पिता को तो छोड़ दो। डेट में रजनीकांत सर और माही भाई दोनों एक ही बस पर सवार हैं। मैं तो बोलता हूँ इस 7 नंबर को आप नेशनल नंबर घोषित कर दो भाई साहब। हम बच नहीं सकते इस नंबर से। तो मैंने अपने गेमिंग चैनल पे भाई साहब अभी मीम रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तो उस पे एक हमारे भाई साहब का कमेंट आता है, जरा उसको देखो। अनिल भाई साहब लिखते हैं कि 2+0+5=7, थाला फॉर अ रीजन, सम्राट हब चैनल सब्सक्राइबर। मतलब हमारे उस चैनल पे 205,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, जिसको जोड़ने पर 7 नंबर आ रहा है। थाला फॉर अ रीजन कंफर्म। मतलब समझ रहे हो, मैं भी नहीं बच पाया ब्रो। अबे घड़ी आ गई थाला के नाम की भाई, जो सिर्फ 7 बजे का ही समय दिखाती है। CSK वालों, धोनी के फैंस, भाई तुम ये घड़ी ले लो, क्योंकि तुम्हारा सारा कुछ 7 थाला फॉर अ रीजन ही चलता है। तुम्हारे लिए खास डिमांड। माई भाई मेरे ख्याल से खुद ही परेशान हो गए होंगे, क्या चल रहा है ये? बताओ, इस लेवल का पागलपन चल रहा है हमारे देश में। वैसे आप इस पागलपन को कम कर सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अबे सब्सक्राइब करो बे, फ्री है। तुम्हारे जेब से कौन सा पैसा जा रहा है? ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबाओ, और इतना जोर से दबाओ कि तुम्हारी बंदी एक बार को शर्मा जाएगी। साले हमारा तो कभी नहीं दबाता इतने जोर से। पैर, तुमने क्या सोचा ठरकियों? हम राजा है। Anyway, थाला की दीवानगी आज भी लोगों के सर चढ़ के बोल रही है भाई साहब। अब जरा इस नादान परिंदे को देखो भाई। अगर आज इंडिया जीत भी जाती है ना, तो भी वो उतनी खुशी नहीं होगी जो थाला अगर शॉट मार के जीता था। भाई थाला से एक बॉल खिलवा दो लास्ट की बस, और ऐसा आ जाएगा मुझे भाई। तो योनी रूपम है क्या? योनी रूपम यानी आम भाषा में हम इसको भी कहते हैं। तो ऐसे ही शुद्ध हिंदी से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कहानी आगे। मतलब अब तुम्हारे मजे के लिए हम मैच रुकवा के लास्ट ओवर पर छक्का मरवाने के लिए धोनी को बुलाएं? अबे गंभीर भाई का डर नहीं है तुझको? उनकी बातों को इग्नोर कैसे कर सकते हो तुम? बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये बोला था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। पर थाला का फैंस यहाँ तक भी नहीं रुके, उन्होंने वर्ल्ड कप के उस आइकॉनिक कैच का भी ना अपना वर्जन बना डाला। सिंपली ब्रिलियंट फ्रॉम सूर्या। गजब भाई साहब, भले ही ये कैच सूर्या भाई ने पकड़ा हो, परंतु धोनी के फैंस के लिए ये कैच धोनी भाई ने ही पकड़ा है। वैसे इस कैच के ऊपर भी कंट्रोवर्सी काफी हुई थी। कोई बोल रहा था पैर टच हो रहा है, कोई बोल रहा था रस्सी हटा दी है। अरे वो बस अफ्रीकन, सो आई एम यूज्ड टू बीइंग रॉब्ड, बट हियर मी आउट। फर्स्टली, व्हाट इज द बाउंड्री रोप डूइंग देयर? टच्ड इट, यू गाइस सॉ इट। अब जिन लोगों को चुन थी ना, वो ये वाली वीडियो देख लो। किधर है रो? फिर भी किसी के पिछवाड़े में चुन्ना लग रहे हो ना, तो तुम सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। आजा पपोर ले। ना पपोर ले। वाओ, बट डीप इनसाइड कैच चाहे स्काई ने पकड़ा हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी ने पकड़ा हो, मेरे लिए तो असली कैच ये है। What a catch!
मिया माय बेबी शर्म करो भगवान से डरो हेलो भगवान से डरो बेटा असली केस और आप भगवान से नहीं भाभी से डरिए मानते ही हो मान रहे हो तो सब्सक्राइब ना कर लेते चैनल अब तक पापियों कोई तरीका है भीख मांगने का बताओ कैच के चक्कर में हम असली मुद्दे से तो भटक ही गए तो हमारे थाला का वजह से कहीं दो दिल एक हुए थाला की वजह से हुए तुम लोग पूछोगे थाला के वजह से कैसे अबे जुलाई में शादी हुई है बे बोले जो कोयल बाहों में तो दूसरी तरफ हमारे हार्दिक भाई का डिवोर्स होने के कगार पे है हार्दिक भाई की शादी उसमें थाला का क्या रोल है रोल है रुको तुम डिवोर्स के स्पेलिंग में लेटर साथ थाला फॉर नताशा के नाम के स्पेलिंग में भी लेटर साथ थाला फॉर ए रीजन जुलाई 18 इज द डेट 8-1=7 थाला फॉर ए रीजन तो जुलाई का मंथ तो कुछ थाला का मंथ है थाला फॉर ए रीजन सर तो इनका डिवोर्स तो होना तय था भैया ये सब करना हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं जो करना है कर लो पुलिस के पास भेजना पुलिस के पास मम्मी भी जानती है पापा भी जानते हैं बताओ भाई ने एक लड़की से 3 बार शादी की थी वो 4 साल भी नहीं टिकी मैं हरि बोल मिलैया काली मगर छिनार भाई साहब इनका देख के मुझे एक बात तो पता चल गई टिकने वाली 2 फेरों में भी टिक जाएगी ना टिकने वालों के संग 10 बार शादी कर रहे वो फिर ना टिके बात तो सही है इनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई भी दी है आपका पीएम 18 जुलाई 8-1 फॉर ए रीजन अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही गहरी बात बोली है ध्यान से सुनना सभी देशवासियों की तरफ से मेरी तरफ से चीन टपाक दम दम और मुझे असल में ना बहुत बुरा क्या? मतलब इस बात का नहीं कि ये दोनों अलग हो रहे हैं हमारे भाई को दूसरी मिल जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है पर मुझे दुख है उस 5 लाख रुपए का जो भाई ने जूते चुराई में दिए थे जूते चुराई हाँ बाढ़ में मेरे को जूते के पैसे चाहिए अबे कार में पैसा ले लो मैं तो बोलता हूँ हार्दिक बाबू लगे हाथ वो 5 लाख रुपए भी ले लो नो लुगाई नो जूता चुराई आजकल ना ये बहुत चल रहा है शादी करो 1-2 साल साथ में रहो बच्चा पैदा करो डिवोर्स दे दो एलिमनी के नाम पे पैसा ऐंठ लो और लड़के की दिमाग की मां बहन कर दो पर इस सिचुएशन का अगर सॉल्यूशन किसी के पास है ना वो है हमारे सलमान भाई के पास उनका भी अपना एक तरीका है ना किसी से शादी ना किसी से डिवोर्स तब भी जरूरत हो फार्म हाउस पे बुलाओ पूरी प्रॉपर्टी भी सेफ बात तो सही है तरीका है तो काम का इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पांडा भाई भी दूसरे की तलाश में चले गए बेस्ट ऑफ लक हार्दिक डोंट वरी अबाउट एनीथिंग थैंक्स अनन्या फॉर सपोर्टिंग सो मच तेरा सही है भाई करोड़ों की भीड़ में तेरे को अनन्या का सपोर्ट दिख गया हमें बाबड़े जो वर्ल्ड कप में तेरे को देख देख के रो रहे थे भाई साहब किसी ने सच ही कहा है औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं रखा इन सब चक्करों में ये सब मोहमाया है अबे क्रिकेटर आएंगे जाएंगे टीम बनेगी बिगड़ेगी लेकिन एक चीज है जो परमानेंट रहेगी एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता एक छक्के ने सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूँ मैं बाकी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक मारो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब क्या क्या मीन बने भाई और सेलेक्ट कर लो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दिस इज जब वायदा सम्राट शुक्ला ओवर एंड आउट अपना कर अब तो हरा से प्यार दो बाड़ू छीनार ओके सो यहां पे ये वीडियो खत्म अच्छा भाई देखो यार फैन फॉलोइंग आजकल ऐसी वाली बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत कम लोगों की देखने को मिलती है ठीक है क्योंकि पहली बात तो जेन्युइन आजकल ऐसे सेलिब्रिटी नहीं रह गए हैं ठीक है तो उस टाइप की फैन फॉलोइंग भी हमें देखने को बहुत कम ही मिलेगी जब सेलिब्रिटीज उस टाइप के होंगे तभी तो हमें ऐसी पागलपन की लेवल की फैन फॉलोइंग देखने को मिलेगी है ना भाई खुद को पोत के चले आए और हर चीज में चाहे वो लॉजिक हो चाहे ना हो हर चीज में बस थाला 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 वो यही कर रहे हैं है ना तो वही चीज है भाई स्टारडम के लिए भी उतना नाम कमाना पड़ता है उसी उस स्टारडम को ना कमाना पड़ता है और महेंद्र सिंह धोनी ने वो स्टारडम कमाया है खुद से तो भाई बनता है लोगों का ऐसे इस टाइप से उनके प्रति पागल होना बनता है ठीक है
दूसरी चीज ये जो इनकी शादी वाली वो चल रही है, भाई साहब इतने लोगों का ये सब चल रहा है ना, और सच बताऊं क्लियरिटी मुझे बिल्कुल नहीं है कि हाँ मुझे अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है किस लिए डिवोर्स हो रहा था, और उन दोनों का हो रहा है ना, तुम बीच में काहे कूद रहे हो। डिवोर्स दो इंसानों की बात होती है तो तुम्हारी पब्लिक की मतलब क्या वो इसमें इतना वो बनता है कि हाँ वो कूदे जा रहे हैं, पहले फलाने को गाली दे रहे थे, फिर फलानी को गाली देने लगे, उसके बाद फिर से फलानी को गाली देने लगे, है ना। मतलब कि तुम्हारा यार अच्छा है, बिन पेंदी के लोटे की तरह किधर भी लुढ़क जाते हो, ये सही है, है? अच्छा वो छोड़ो, वीडियो में सबसे अच्छा मुझे वो एक AI वाला वो जो लगा कि हाँ कैच भले ही सूर्या ने पकड़ा हो लेकिन वहां पे माही भाई को दिखाया गया, ऊपर से ऊपर वहां पे मियां खलीफा को दिखाया गया, वाह क्या बात है, मतलब एक से एक हैं भाई, AI वाले भी एक से एक हैं, और लास्ट वाला भी वो भी बहुत सही था, बहुत ही सही था। सो सबसे मजेदार पॉइंट तो मेरे लिए वही थे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।